अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक्निकल फैसल। आज की वीडियो में आपको एक नई जॉब के बारे में बताऊंगा जो कि लाइट बैंक के अंदर अनाउंसमेंट हुई है। आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार एक ही वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली आपको जॉब के रिलेटेड वीडियोज़ मिलती हैं और साथ में आपको तरीका भी सिखाया जाता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो इस जॉब के लिए मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आपका टेस्ट जब आपका अप्लाई होगा उस टाइम भी हो सकता है और बाद में आपका 15 दिन के अंदर भी यहाँ पे टेस्ट हो सकता है। अगर आपका टेस्ट क्लियर होगा फिर आपको ये शॉर्टलिस्ट करके आपको ब्रांच बुलाएंगे और ब्रांच के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑफिसर की जॉब है जिसके अंदर आपने 13 अक्टूबर तक अप्लाई करना है और अप्लाई करने का बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और इस पेज के ऊपर आपने कैसे आना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद फिर आपने वेट करना है, आपको ये टेस्ट की मेल करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी तालीम के बारे में। तो आपकी तालीम अगर आपने बैचलर कम्प्लीट किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आप एक चीज़ देखें, इन्होंने लिखा हुआ है कि 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास जॉब के रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है आप फिर भी इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको ये शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और टेस्ट आपका होगा। अगर आपका टेस्ट क्लियर होगा तो फिर आपके यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे और आपकी सिलेक्शन हो सकती है। अभी आप अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है और लिखने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को आपने फिल करना है। और फिल करने के लिए सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम लिखना है, मिड नेम, लास्ट नेम, उसके बाद नीचे टाइटल, साथ में जेंडर मेल है फीमेल है, मैरिज स्टेट के बारे में आपने बताना है। बताने के बाद नीचे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपनी सिटी, उसके बाद पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर आपने अपना लिखना है, ऑफिस का अगर नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। करंट आपने यहाँ पे सिटी बतानी है, कौन सी सिटी से आप अप्लाई कर रहे हैं, डोमिसाइल के बारे में, उसके बाद पोस्टल कोड आपने लाजमी लिखना है, ईमेल एड्रेस के बारे में कंफर्म ईमेल एड्रेस, उसके बाद दोनों एड्रेस आपके आईडी कार्ड वाले वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। लिखने के बाद दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, सीवी आपने सही प्रोफेशनल बना के यहाँ से अपलोड करनी है जो कि पीडीएफ में हो और साथ में अपना एक फ़ोटो आपने यहाँ से अपलोड करना है। अगर आपकी सीवी प्रोफेशनल होगी तो फिर ही आपको ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि प्रोफेशनल सीवी कैसे बनाएं तो कोई आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूँगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे फैमिली डिटेल के बारे में बताना है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, सारी चीज़ें आपने इसके अंदर बता के ट्रेनिंग के बारे में बताना है। अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप है तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, कोई आपने इंटर्नशिप की हो गवर्नमेंट की प्राइवेट की आप इस पेज के अंदर बता सकते हैं। और बताने के बाद रिलेटिव यहाँ पे बताना है, आपका कोई रिलेटिव अगर एलाइड बैंक में अंदर सर्विस करता है तो आप इसको यहाँ पर बता सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। अगर आपका कोई रिलेटिव एलाइड बैंक में नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और स्किल के बारे में आपने ज़्यादा स्किल लिखनी है, आपके पास MS वर्ड वगैरह बताना है, सारी चीज़ें मुझे आती हैं, कम्युनिकेशन स्किल आती है, उसके बाद कस्टमर के साथ डीलिंग करनी मुझे आती है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आपने इसके अंदर दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक आपने CV सही बनानी है और साथ में आपने प्रोफेशनल यहाँ पे स्किल लिखनी है। एजुकेशन की बात करें तो आपने डिग्री बताना है, मेजर सब्जेक्ट आपके कौन से थे, इंस्टीट्यूट आपका कौन सा था, उसके बाद पास आउट आप कब हुए थे, आपके मार्क्स कितने थे, ये चीज़ें बताने के बाद नेक्स्ट चलते हैं। एक्सपीरियंस के बारे में आपने बताना है, अगर आपके पास जॉब के रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर बता सकते हैं। और बताने के बाद आप नीचे चलेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ईजी आपका अप्लाई हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये सारी डिटेल भी मिल जाएगी, आप इजी अप्लाई भी कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपका टेस्ट उस टाइम भी हो सकता है, आपको मेल आ सकती है, लेकिन आपको ये बाद में मेल भी कर सकते हैं 10 से 15 दिन के अंदर। और उसके लिए ये आपकी CV देखेंगे, अगर आपकी CV प्रोफेशनल है तो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।